वो सब कुछ अपने खाते में डाल सकता है जो जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे उसका व्यक्तित्व आकर्षक हो या न हो, चाहे उसने गरीब घर में या अमीर घराने में जन्म लिया हो, चाहे वह कमजोर या मोटा हो, चाहे वह किसी जाति या रंग का हो, इससे कोई अंतर नहीं होता। सरस्वती साधना तो प्रत्येक के लिए सहज संभव है, सुगम है, सरल है, क्योंकि यह साधना अपने आप में त्रिगुणात्मक स्वरूप में से एक महाशक्ति की साधना है। सरस्वती को महाशक्ति कहा गया है क्योंकि वह जीवन की आराध्या है, जीवन की पूर्णता की आधार है, जीवन को श्रेष्ठता तक पहुंचाने का आयाम है। यदि सरस्वती नहीं है तो फिर जीवन भी नहीं है। जीवन अपने आप में बेमानी और तुच्छ बन करके रह जाएगा, जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिसकी कोई मूल्य नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में सरस्वती साधना को प्रथम और महत्वपूर्ण साधना माना है। जो साधक या शिष्य ऐसी साधना संपन्न कर लेते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता, क्योंकि इसे स्मरण साधना भी कहा गया है। सरस्वती को स्मरणिका कहा गया है, स्मरणिका याददाश्त, स्मरणिका मस्तिष्क का विकास, स्मरणिका जो हम पढ़े वह हमेशा हमेशा के लिए मस्तिष्क में अंकित हो जाए, याद हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हम पढ़े और याद रहे ही नहीं। विद्यार्थियों और पढ़ने वालों के लिए तो यह आवश्यक तथ्य और तत्व है कि वह पढ़े और उन्हें स्मरण रहे, जिससे कि परीक्षा में वे सफलता के साथ उत्तीर्ण हो सके। जीवन के आधारभूत सत्य को संपन्न करने के लिए जहां परीक्षा में सफलता आवश्यक है, वहीं साक्षात्कार में अपनी बात को स्पष्टता के साथ कहने की शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए। हम किसी साक्षात्कार में जाएं और उनके प्रश्नों को पूर्णता के साथ उत्तर दे सकें तत्क्षण श्रेष्ठतम रूप में, तो निश्चय ही सामने वाला प्रभावित होता है, एहसास करता है कि इसमें मेधा शक्ति है, बोलने की शक्ति है, प्रभावित करने की शक्ति है। ऐसी शक्ति को सरस्वती कहा गया है। और जीवन के क्षेत्र में तो इस मेधा शक्ति और सरस्वती की नितांत अनिवार्यता रहती ही है, चाहे हम किसी भी व्यापार या व्यवसाय में हो, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि हमारे जीवन में हजारों लाखों लोगों से संपर्क तो रहेगा ही, जिसमें अच्छे बुरे, बुद्धिमान मूर्ख, तेज तर्रार और सुस्त सभी तरह के लोग होंगे और कई कई रूपों में हमारे सामने आएंगे। और जब आप व्यापार में हैं या नौकरी में हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, तो इन लोगों से संपर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समाज के अंग हैं। और यदि आप उनसे बातचीत करते समय आपका व्यक्तित्व दब जाता है, कमजोर हो जाता है, तो एक प्रकार से वह आप पर हावी हो जाता है, आप अपनी बात नहीं कह पाते और सामने वाला आपको प्रभावित करने की सामर्थ्य पा लेता है। वह कौन सी शक्ति थी जिससे कि सामने वाले ने आप पर विजय प्राप्त कर ली? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो समाज में आप सम्माननीय बन सकते हैं। आप
आप यदि उनको प्रभावित कर सकते हैं तो अपने व्यापार की वृद्धि कर सकते हैं, नौकरी में सफलता पा सकते हैं, पारिवारिक अनुकूलता अनुभव कर सकते हैं, लोगों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, मित्रों का दायरा बढ़ा सकते हैं और जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो जीवन का लक्ष्य है, जो जीवन का उद्देश्य है, जो जीवन का चिंतन है। और यह सब केवल सरस्वती साधना के द्वारा ही संभव है। जो अपने जीवन में सरस्वती की उपेक्षा करता है वह अपने जीवन को स्वयं ही समाप्त करता है। जो अपने जीवन में सरस्वती का चिंतन नहीं करता वह अपने जीवन को बेकार धोता है, क्योंकि इस प्रकार के जीवन का कोई मतलब या कोई मकसद नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता, वह तो एक घिसा पिटा जीवन होता है जिसका कोई अर्थ या चिंतन नहीं होता, जिसे सम्मान प्राप्त नहीं होता, जिसे समाज में श्रेष्ठता अनुभव नहीं होती, जिसे पूर्णता प्राप्त नहीं होती। और जो अपने जीवन में जो कुछ करना चाहता है नहीं कर सकता। इसलिए तो शास्त्रों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जीवन का प्रारंभ होते ही बालकों को ही सरस्वती साधना संपन्न करा देनी चाहिए, तभी बालक मेधावी हो सकते हैं, तभी बालक में वाक शक्ति प्रखर बन सकती है, तभी बालकों की स्मरण शक्ति ऊंचाई पर उठ सकती है, तभी बालक का व्यक्तित्व तेजस्वी और प्रभावपूर्ण बन सकता है। और यह सब सरस्वती साधना के द्वारा ही संभव है। यहां तो जीवन में प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता होती ही है, परंतु आधार तो वाक शक्ति है, आधार तो बोलने की शक्ति है, आधार तो दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति है। आपके पास एक प्रखर मस्तिष्क हो, स्मरण शक्ति हो, बोलने की कला हो, तो निश्चय ही आप समाज के बहुत बड़े वर्ग को अपना अनुकूल बना सकते हैं। और यह अनुकूलता ही जीवन का आयाम होती है, यह अनुकूलता ही जीवन की पूर्णता मानी जाती है। इस अनुकूलता से ही जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो जीवन का लक्ष्य है, जो जीवन का अभीष्ट है। इसलिए जहां जीवन में भगवती जगदम्बा की साधना आवश्यक मानी गई है, महाकाली की साधना आवश्यक मानी गई है, उससे भी ज्यादा और उससे भी पहले सरस्वती की साधना को महत्व दिया गया है, क्योंकि यह है तो अन्य साधनाएं संभव हो सकती हैं। यदि स्पष्ट उच्चारण है तो मंत्र जप हो सकता है, यदि स्मरण शक्ति है तो साधना की बारीकियां मस्तिष्क में अंकित हो सकती हैं। इसलिए प्रत्येक साधक या शिष्य का पहला और प्रामाणिक कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह जैसे भी हो उन साधनाओं को प्राप्त करे जो सरस्वती साधना की श्रेष्ठतम स्थिति हो, जिसके माध्यम से बोलने की क्षमता प्राप्त हो, मेधा शक्ति बढ़े, स्मरण शक्ति में तीव्रता आए, व्यक्तित्व में निखार आए और हमारे शब्दों में हमारी वाणी में प्रभावोत्पादकता बने। यह उन साधनाओं के माध्यम से संभव है जिसे वाग्देवी साधना कहा गया है, और वाग्देवी सरस्वती का ही एक प्रतिरूप है जो संपूर्ण जीवन को आधार देती है, चिंतन देती है, श्रेष्ठता देती है, जाज्वल्य मान्यता प्रदान करती है। जितने भी उच्च कोटि के योगी या सन्यासी हुए, वे चाहे गोरखनाथ थे, चाहे शंकराचार्य थे,
चाहे वशिष्ठ थे, चाहे विश्वामित्र थे, चाहे गर्ग थे, चाहे कणाद और पुलस्त्य थे, इन सभी ने लाभ देवी साधना तो संपन्न की ही। आज भी जितने उच्च कोटि के गायक या संगीतकार हैं, वक्तृत्व कला में निपुण और श्रेष्ठ हैं, उन्होंने अवश्य ही सरस्वती साधना संपन्न की होगी, चाहे इस जीवन में चाहे जीवन के अतर जीवन में, क्योंकि बिना सरस्वती की कृपा के यह सब कुछ संभव हो ही नहीं सकता। और मैं सरस्वती के उन आयामों को स्पष्ट कर रहा हूं, उन मंत्रों और साधनाओं को स्पष्ट कर रहा हूं जो जीवन के आवश्यक हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, जो जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। सरस्वती साधना के बारे में मैं उन गोपनीय रहस्यों को स्पष्ट कर रहा हूं जिनके माध्यम से जीवन को सभी दृष्टियों से पूर्ण बनाया जा सकता है। सबसे पहला और प्रामाणिक कर्तव्य तो यह है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति चाहता है कि वह संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय बनना चाहे या बने, अथवा कला के क्षेत्र में अद्वितीय बने, अथवा भाषण या वक्तृत्व देने की कला में निष्णात हो, अथवा स्मरण शक्ति में प्रखरता हो, या साक्षात्कार में सफलता प्राप्त हो, इन सारी स्थितियों के लिए यह जरूरी है कि वह किसी योग्य गुरु से वाग देवी दीक्षा प्राप्त करें। इस दीक्षा से उसका आधा काम तो अपने आप में ही संपन्न हो जाता है, क्योंकि दीक्षा अपने आप में अप्रतिम और अद्वितीय है। जिन्होंने भी इस दीक्षा को अनुभव किया है या प्राप्त किया है, वे समझ सकते हैं कि वाग्देवी दीक्षा अपने आप में जीवन का एक अनमोल पुंज है, जो वास्तव में ही सौभाग्यशाली साधकों, शिष्यों या व्यक्तियों को प्राप्त होता है। जिन पर गुरु कृपा करते हैं, जो गुरु के प्रिय होते हैं, जो गुरु के नजदीक होते हैं, उन्हीं को इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त हो सकती है। और फिर यह भी सौभाग्य होता है कि जीवन में ऐसे गुरु प्राप्त हों, ऐसे गुरु हो जो स्वयं वाग्देवी सिद्धि प्राप्त हो, जो वचन सिद्ध हो, जो बोले वह कार्य हो जाए, ऐसी सिद्धि उन्हें हो, जो उन्होंने सरस्वती साधना सिद्ध कर रखी हो। ऐसा ही गुरु यदि जीवन में कहीं पर मिल जाता है तो यह जीवन का सौभाग्य ही समझना चाहिए, फिर जीवन में चूकना नहीं चाहिए, फिर एक क्षण भी गंवाना नहीं चाहिए, फिर तत्परता के साथ उनके चरणों में बैठ ही जाना चाहिए और सेवा के माध्यम से गुरु से वह स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए कि वे वाग्देवी दीक्षा देने में तैयार हो जाए। ऐसा ही जीवन धन्य कहा जा सकता है। इस वाग्देवी दीक्षा के लिए शिष्य को स्वयं को गुरु के चरणों में उपस्थित होना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि
वह इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त करना चाहता है। वह चाहे साधिका हो, वह चाहे साधक हो, शिष्या हो या शिष्य हो, या सामान्य व्यक्ति, यह तो गुरु कृपा का ही फल है कि जीवन में इस प्रकार की दीक्षा अनुभव हो सके, प्राप्त हो सके। यद्यपि यह कठिन और दुर्लभ दीक्षा मानी गई है, गुरु आसानी से इस दीक्षा को नहीं देते जब तक कि उन्हें विश्वास नहीं हो जाए कि इस दीक्षा का दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि इस दीक्षा के द्वारा शिष्य में बाप देवी स्थापित हो जाती है, उसे विजन सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह अपने जीवन में जो भी कहता है वह हो ही जाता है, उसके चेहरे पर एक निखार और एक प्रखरता आ जाती है, उसके व्यक्तित्व में एक अनोखा ओज आ जाता है, जिसकी वजह से वह अलग से ही पहचाना जाता है। जीवन में ऐसी दीक्षा प्राप्त करनी ही चाहिए, और दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही यदि साधक सरस्वती साधना या बागदेवी साधना में प्रवृत्त होता है तो उसे सफलता मिलती ही है। यह बिना दीक्षा भी बागदेवी साधना संपन्न की जा सकती है, परंतु दीक्षा के बाद रास्ता अत्यधिक सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, फिर असफलता के कोई चिन्ह नहीं रह पाते, फिर यह निश्चित हो जाता है कि सिद्धि प्राप्त होगी ही। दीक्षा लेने के बाद साधक सरस्वती साधना या वाग्देवी साधना अपने घर पर संपन्न कर सकता है अथवा गुरु के सामीप्य रहकर इस साधना को सिद्ध कर सकता है। मैं यहां पर दो श्रेष्ठ गोपनीय और महत्वपूर्ण साधना क्रम स्पष्ट कर रहा हूं, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, जीवन की पूर्णता के लिए जरूरी है। पहली सरस्वती साधना,